देखिए, जो महिला आरक्षण कानून है वो पास हो चुकी है, तो उसको अभी का जो सरकार है जिसे भारतीय जनता पार्टी चला रही है, अभी आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट में सेशन चल रही है पर उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। तो हम सारे महिलाएं, जो 70 करोड़ की महिला आदि आबादी है, वो चाहते हैं कि जब कानून पास हो गया तो वो कानून को, महिला आरक्षण कानून को इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंट करे अभी इसी वक्त, उस पर और फर्दर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस मांग को रखते हुए, इसके साथ इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, ठीक है, एंड बहुत सारे महिला रिलेटेड, महिलाओं के हक के ऊपर बहुत सारे स्कीम्स प्रोग्राम बनाए गए, जैसे उनके इकोनॉमिक जो आर्थिक परिस्थिति है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारे जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस है, उनका 29 जुलाई को जंतर मंतर में ये आंदोलन रहेगा, नारी के हक का और न्याय का आंदोलन रहेगा, जिसमें ये मांगे रखी जाएगी, एक तो महिला आरक्षण कानून को अभी इसी वक्त इम्प्लीमेंट किया जाए, और दूसरा जो है कि जो इन्फ्लेशन है उससे जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है महिलाओं की, जो गिरती जा रही है, विच लीडिंग टू डोमेस्टिक वायलेंसेस, इकोनॉमिक वायलेंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट, उस पे चर्चा की जाए, उस पर, उस बेसिस पे महिलाओं को स्ट्रेंथन किया जाए। और दूसरा जो है वुमन सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी में तो हमने बोल दिया, उस पर भी, जैसे अरुणाचल प्रदेश पर 300 का केसेस है, रेप केसेस है, एंड 700 का केसेस है, डोमेस्टिक वायलेंस है आपका, अननेचुरल ऑफेंसेस है आपका, फिर इसके बाद रेप केस है, इवन पोक्सो के 200 केस है रजिस्टर्ड जो कि अभी अनअटेंडेंट है, देयर आर मेनी अनरजिस्टर्ड केसेस। सो वी डिमांड स्पेशल सोशल सिक्योरिटी फॉर द वुमन फोक। वी हैव 6 लाख पॉपुलेशन इन अरुणाचल, फीमेल पॉपुलेशन, वी डू नॉट हैव, व्हाई दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ वुमन रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट। अभी देखिए, अभी फिलहाल के इलेक्शन में वी हैड 8 वुमन रिप्रेजेंटेटिव इन दिस जनरल इलेक्शन, 1 फॉर लोकसभा, 7 फॉर हमारा जो विधानसभा का था, लेकिन सी हु वोटेड फॉर हर, नोबडी, लोकसभा में हार गई, जनरल इलेक्शन जो आपका असेंबली इलेक्शन होता है उस पे बस एक ही इलेक्ट हुआ जैसे तैसे करके। तो अंटिल अनलेस वी डू नॉट गिव स्पेस टू वुमन फोक इन द स्टेट असेंबली, इन द पार्लियामेंट, देयर नथिंग, नो वेलफेयर कैन बी डन, नो अपलिफ्टमेंट कैन बी डन फॉर द वुमन फोक। अभी आपके बजट में देखिए, बजट सेशन जो चल रहा है उसमें फूड सिक्योरिटी में कटौती है औरतों के लिए, न्यूट्रिशनल जो डिमांड होती है, जितने भी सोशल वेलफेयर स्कीम है, आंगनवाड़ी है आपका, जो आपका आशा का है, इवन एमजी नरेगा में देयर इज अ रिडक्शन, ठीक है। तो ऐसे करके आज क्या है, महिलाओं को नॉट ओनली इन पॉलिटिकल एरिना, इवन इन सोशल एरिना, इवन इन इकोनॉमिक एरिना, इवन इन द एम्प्लॉयमेंट, उसको साइडलाइन किया जा रहा है। 2014 में हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि औरतों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। जब सुनते हैं किसी महिला का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, शर्म से उनका सर झुक जाता है, देन ही स्पोक अबाउट यू नो रेस्पेक्टिंग वुमन। कहा था कि जो सामाजिक आचरण में है महिलाओं के तरफ, उसमें दिक्कत है, देयर इज अ यू नो क्या, दिस ऑनर, दिस रेस्पेक्ट क्रिप इन टू द सोशल ऑनर ऑफ द वुमन। नाउ वट ही इज डूइंग, देयर द बजट सेशन इज नॉट इन फेवर ऑफ वुमन। आज नॉर्थ ईस्ट में औरतें, अभी आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे स्टेट है, 7 सिस्टर्स है, 8 ब्रदर्स है, वहां से कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आने नहीं दिया जाता है। ये देखिए, ऐसा जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट वी द वुमन ऑफ इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, दिस इज द वॉइस ऑफ ऑल द 70 करोड़ वुमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टू कलेक्ट इन जंतर मंतर एंड टू फाइट फॉर आवर राइट्स एंड फॉर द जस्टिस। एंड लोग पूछते हैं कि ये आंदोलन, ये न्याय का आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक वुमन रिजर्वेशन बिल इंप्लीमेंट नहीं होगा, अंटिल अनलेस वी गेट द इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, वी विल नॉट स्टॉप दिस आंदोलन।